जी तो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मिनी पिज्जा तैयार होने लगा है। मिनी पिज्जा बनाने के लिए मिनी पिज्जा बनाने के लिए ना मेरे पास जो घर में सामान है ना, मैं तो फिलहाल उसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये है टाउन एरिया, इसमें इतना सामान इतनी रात गया ना मिलता कोई नहीं है। तो ये सडन प्रीपेयर तो मेरा कुछ भी नहीं था, प्री प्लानिंग सॉरी मेरी नहीं थी कोई इतनी, ना करो शाल। तो मेरा उधर से मुझे वो देना, फॉक पकड़ाओ, मैं ना इसकी अच्छे से ये कर लूँ, ये इसके अंदर से मैं करूँगी ऐसे, फॉक से मैं कर लूँगी। बेटे ये एक डो पड़ी हुई थी, जब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे ना तो मम्मा खुद डो बनाएगी इसकी। मम्मा ये देखें जी, एक तो आप खा लेना, इसमें क्या है। ही हाँ होना। ना आप लोग खा लेना बेटे, क्या हो गया, ऐसे क्यों करते हो। माँ सदके जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिए हैं जी, ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन। ना करो मजे का। मेरा ये चिकन बहुत मजे का बनता है माशाल्लाह। उधर से देती हूँ निलिशा, मैं इसके ऊपर डालूंगी। देख मैं तुम्हारा, तोड़ के डालना, मेरा मुझे सताती बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ना मैं अंडा तोड़ के डालती हूँ। अंडा वाला पिज्जा हो जाएगा। हाय हाय, मेरे आगे रोने शुरू हो गए हैं। इस कमली को ना इतना नहीं पता चलता है। ये ना ऊपर मैंने डाल दिया अंडा मेरा ना, इशाल अब आप ना करो बेटे, अब वो पिटाई आपकी भी हो जानी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देखें चाट मसाला ना ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, इससे बड़ा यम्मी टेस्ट आ जाता है। इसका मैं डाल रही हूँ अब ओवन में। ये मैंने इसको प्री हीट कर लिया है, प्री हीट करने के बाद ना ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी पिज्जा। दो मिनट के लिए मैंने लगा दिया है, देखें 2 मिनट 15 20 सेकंड के लिए लगाया था मैंने, जैसे इसका टाइम कंप्लीट होता है ना। देखिए नजर नहीं आ रहा, इतना बच्चे चीजों को खराब करते हैं ना, मेरी तो चीजें ही कसम से, मेरे बच्चे छोटे हैं, हर हर चीज को कोशिश करेंगे हम इसको छू लें, इसको तंग कर लें, इसको चेक कर लें, इसको पकड़ के देख लें ये है क्या। ये देखें जी, मैंने इसको थोड़ा सा साफ तो किया है। चोट अब कुछ बेहतर होगी, अल्लाह का शुक्र है, दर्द बड़ी होती है। ये देखें हाथ ही मेरे खराब हो गए हैं इस चोट की वजह से, ना मैं हाथ धो पा रही हूँ सही से, ना इस पे कुछ लगा रही हूँ, हाथ इतने डार्क हो गए हैं, कम्प्लेक्शन मेरी बड़ी डल हो गई है सर्दियों की वजह से। तो ना अब ये तकरीबन 46 सेकेंड्स रह गए हैं, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, अब मैं चेक करती हूँ कि कैसा बनाया है, क्योंकि चिकन भी हमारा बना हुआ था, डो भी हमारी ऑलमोस्ट डन थी, सिर्फ वो अंडे का बनने का जो टाइम था ना वही लगना है। अभी देखते हैं क्या देता है वो लुक हमें, क्या टेस्ट देता है।
लेकिन मैंने ना कितनी बार ना ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अभी काश मैं आप लोगों को भी खिला सकती, तो आप लोग वाकई कहते हैं कि आपके हाथ में तो वाकई बहुत जायका है, इसलिए मुझे किसी के हाथ की कोई चीज़ पसंद नहीं आती ख़ास कोई जल्दी इतनी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की चीज़ जो एकदम खाने में बड़ी म्यारी होती है। मम्मा बन गया बेटे, एक मिनट। हाँ ये बन गया बेटे, दिखाओ थोड़ा मुझे चेक करने देना जी, ये देखें वाह बड़ा अच्छा बन गया है। ओहो ये तो नीचे चिपक गया है, मुंडा था ना इस वजह से। खैर मैं इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आपको, मेरा साइड पे इतना ज़रा, ये जी मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा लगा लिया है केचप, और यहाँ पे मैंने मायने सेम लिख दिया है कि मिर्हा का। तो जी ये मेरा हमारा फाइनल मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, और मिर्हा बेताब है इसको खाने के लिए। मिर्हा इसके ऊपर क्या लिखा है मैंने, एम से क्या बनता है, मिर्हा। मेरी बेटी को पता है कि एम से मिर्हा बनता है। चले जी आप भी इसको इंजॉय करिएगा, आप भी अगर आप बहुत जल्दी से अच्छा वाला पिज़्ज़ा इंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह इस तरीके को फॉलो करिएगा, फॉलो करिएगा। इसमें वेजेस डालना चाहें क्योंकि मिर्हा कैप्सिकम वगैरह पसंद नहीं करते, तो अगर आप डालना चाहते हैं वेजेस कैप्सिकम वगैरह कलर्ड में, वो जलापीनोज और ऑलिव्स वगैरह डालकर आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।